हेलो किसान भाइयों, मैं पहलसिंह बैंसला, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम FMD खुशीटा के बारे में बात करना चाहते हैं। हूफ एंड माउथ डिजीज, यह मवेशियों में फैलने वाला एक संक्रामक वायरस रोग है जो भेड़ बकरियों, हिरणों, गाय भैंस आदि में फैलता है। FMD एक जूनोटिक बीमारी के रूप में मानता नहीं है। यह रोग बहुत जल्दी फैलता है। यदि इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो पशु इसकी वजह से बहुत परेशान होता है। हालांकि इसमें अधिकतर मृत्युदर नहीं है। यह बीमारी एक वायरस के कारण होती है और सात प्रकार से होती है। यह लक्षण उत्पन्न करने में प्रयोगशाला में अलग अलग लक्षण उत्पन्न करती है और वैसे एक ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार की प्रतिरक्षा अन्य प्रकार के खिलाफ जानवर की रक्षा नहीं करती है। संक्रामक संपर्क में लक्षणों की उपस्थिति के बीच अंतराल 24 से 10 दिन या उससे अधिक में बदलता रहता है। और यह इसमें मुख्य लक्षण होते हैं पशु को बुखार आना, मुंह या पैरों में छाले होना, दूध उत्पादन में गिरावट होना, वजन घटना, भूख में कमी होना, कपकपाते मुंह से दुर्गंध होना, गाय भैंसों के शरीर पर विकसित छाले पड़ना, लंगड़ापन, अडर में छाले पड़ना। इसकी वजह से मैस्टाइटिस थनेला रोग भी हो सकता है। इसका नियमित टीकाकरण किया जाए इसे। हाँ, और वैसे इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। प्रभावित जानवर ठीक हो जाते हैं। पैरों में फिनाइल व अच्छी तरह से पैरों के छालों को धोएं और धोने के बाद बीटाडेन, स्किन लोशन, एंटीसेप्टिक स्प्रे, ट्रॉपिक्यूर, इससे घाव जल्दी भर जाएगा और मुख्यतः पशु परेशान नहीं होगा। पशु नमी व आहार पत्तेदार गुड़ व सीरा लाएं और पशु को एंटीसेप्टिक लगाएं और पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन दें जैसे पैरामाइसिन, पेनिसिलिन और सेडरी फोर्ट नामक एक गोली आती है उसको खिलाएं और बी कॉम्प्लेक्स आदि दें और पशु को जो बीमार पशु है उसको अलग बांधें स्वस्थ पशुओं से। तालाब, पोखर पानी नहीं पिलाएं। पशु को सूखे स्थान पर बांधें व कीचड़, गंदगी